सीएम योगी आदित्यनाथ ने तूफान पीड़ितों के लिए की बड़ी घोषणाएं। 11 अप्रैल के बाद 2 मई को आए तूफान से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्रवित हो गए। उन्होंने खेरागढ़ और फतेहाबाद तहसील में राजस्व और विद्युत बकाया वसूली तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी। भाजपा के जिला महामंत्री प्रशांत पोनिया का कहना है कि खेरागढ़ में हेलीपैड पर उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, इसी का संज्ञान लेकर वसूली स्थगित की गई। खेरागढ़ तहसील के गांव बुरेरा पीड़ितों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी कच्चे मकानों को पक्का बनाया जाएगा, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया है उन्हें राशन भी दिया जाएगा। इस बारे में मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बता दें कि तूफान से अब तक 50 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 24 लोग खेरागढ़ तहसील क्षेत्र के हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से तूफान में हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया। नेबोरा के शावेद गांव में हेलीकॉप्टर उतरा, जहां मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को चेक बांटे। मृतकों के परिजनों को सहायता राशि वितरित की गई। उनके साथ फतेहपुर सीकरी के सांसद चौधरी बाबूलाल, फतेहाबाद के विधायक जितेंद्र वर्मा और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वहाँ पर टैंकर से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। व्यापक स्तर पर फसल को भी नुकसान हुआ है, उसका आकलन करते यथाशीघ्र उन किसानों को भी सहायता उपलब्ध कराई जाए और बहुत सारे जो बागवान हैं उनकी बागवानी को भी भारी क्षति पहुंची है, उसको भी इसके साथ जोड़ करके उन्हें अलग से सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की है, जिसमें हर उस परिवार को जिनके मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको अब तक कोई आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। 1,20,000 रुपये उस योजना के अंतर्गत उन्हें आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, हर एक परिवार को हम लोग जो भी घायल हैं उनको निःशुल्क उपचार के साथ साथ आपदा राहत कोष से उनके सहायतार्थ जनमन्य सहायता है वह भी उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था तो ये हैं। इस बात का आकलन कर लिया जाए कि कहीं ये भवन क्षतिग्रस्त होकर के नुकसान न कर लें, इन सब बातों को भी देख लें। आज अभी मैं इन सब क्षेत्रों का दौरा करने के बाद जिला प्रशासन के साथ विस्तृत योजना बनाने के लिए आगरा में बैठ रहा हूँ। इसके उपरांत मुझे कानपुर का भी आज दौरा करना है। आपदा के समय में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मेरी संवेदना है, घायलों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं उन सभी पीड़ितों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार दुख की इस घड़ी में, संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है।